तो हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक कहानी के बारे में। एक आलसी आदमी सोना गवा बैठा। तो दोस्तों, आलस आपसे क्या छीन सकता है, इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आपके पास बहुत सारा पैसा आ जाए तो आप क्या क्या करोगे, इस छोटी सी कहानी के माध्यम से आज हम यही सिखाने वाले हैं। एक आश्रम में अपने गुरु के साथ एक शिष्य रहता था, लेकिन वह बड़ा आलसी था, क्योंकि वह आज का काम कल पर और कल का काम परसों पर टाल दिया करता था। एक दिन गुरु ने सोचा कि इसे कैसे समझाया जाए, तो उनके दिमाग में एक रणनीति आई और उन्होंने उसे पाठ पढ़ाने का तरीका खोज निकाला। उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि ये काला पत्थर मैं तुम्हें देकर जा रहा हूँ, इसकी मदद से तुम जिस भी लोहे की चीज़ को घिसोगे वह सोने की बन जाएगी, लेकिन तुम्हारे पास कल सूर्यास्त तक का समय है। और यह कहकर गुरुजी चल पड़े। अब वह आलसी शिष्य सोचता रहा कि मैं इस पत्थर से यह करूँगा वह करूँगा, अभी तो मेरे पास काफ़ी समय है और मैं खूब सारा सोना बना लूँगा। आलसी आदमी ने सोते सोते बहुत ख्वाब बुन लिए थे, लेकिन प्रयास नहीं कर रहा था, सिर्फ सोच रहा था। और सोचते सोचते उसका एक दिन बीत गया। जैसे ही वह सुबह उठा तो उसने सोचा, अभी तो मेरे पास शाम तक का वक्त है, मैं इसे बहुत जल्दी पूरा कर लूँगा। देखते देखते दोपहर हुई, उसने खाना खाया और सोचा थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, उठने के बाद कर लूँगा। और वह आलसी शिष्य सो गया। जैसे ही उसकी नींद खुली, उसने देखा कि सूर्यास्त होने को आया, अब उसे जाना ही होगा। और वह काले पत्थर को लेकर बाजार में जा ही रहा था, इतने में गुरुजी उसको मिल गए और वह पत्थर उससे ले लिया। बोले, तुम्हारा समय खत्म हो चुका है। उसको बहुत पछतावा हुआ कि वह कुछ नहीं कर पाया, लेकिन अब पछताए तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। हमारे साथ भी तो यही होता है, कभी कभी हम भी तो यही करते हैं, आलस करते जाते हैं, आज का काम कल और आगे से आगे टालते जाते हैं, इससे समय निकलता जाता है, क्योंकि समय का पहिया तो रुकने वाला नहीं है। अगर हमने समय के साथ हमारे कामों को पूरा नहीं किया तो हमारा भी वैसा ही हाल होगा जैसा उस शिष्य का हुआ। और आपको मैं बता दूं, सचिन तेंदुलकर जब मैच नहीं होता था तब भी वो प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ते थे, इसलिए जो होता है अभी होता है। आशा करता हूँ आप इस सीख को ज़रूर अपनाएंगे और जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपका कीमती समय देने के लिए दिल से शुक्रिया।